दिस इज रवि जैन फ्रॉम एबीपी न्यूज़। हाय अन्ना सर, आपका जो किरदार है बहुत ही अलग नज़र आ रहा है। ओटीटी स्पेस में स्वागत है आपका। बहुत समय बाद आपका एक अलग किरदार देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा हटके था। अभी अभी जो खबर आई है, आपका किरदार बहुत आइकॉनिक था हेरा फेरी में, राजू और घनश्याम की जो जोड़ी थी, लेकिन अब खबर आई है कि अक्षय कुमार उसमें नहीं है और आप डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ बताएंगे इसके बारे में, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं धारावी में इतना बिजी रहा हूँ कि क्या हेरा फेरी हुई है हेरा फेरी में मुझे पता ही नहीं। तो ये हेरा फेरी जानने के लिए मुझे दोबारा हेरा फेरी के प्रोड्यूसर के बाद जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि अक्षय और आपके बीच में क्या हेरा फेरी हुई। तो ये हेरा फेरी के चक्कर में नहीं पता, नहीं मुझे जेन्युइनली नहीं पता। और 20 तारीख के बाद जाऊंगा, बैठूंगा और समझूंगा और जानूंगा कि क्या हेरा फेरी हुई है। तो आप चाहेंगे कि ओरिजिनल कास्ट ही हो इस फिल्म में? जैसे मैं चाहूंगा कि हेरा फेरी नहीं हो, लेकिन हेरा फेरी बने जरूर। थैंक यू। हाय हाय एवरीवन, हाय हाय हाय, क्या कमाल के शब्द की हेरा फेरी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सबको दिल से लेजेंडरी सुनील शेट्टी, हमारे प्यारे अन्ना को वर्ल्ड ऑफ ओटीटी में वेलकम करना चाहिए। और एंट्री मारी तो बॉस, कैसी एंट्री मारी, तलाइवन, अमेजिंग। आई थिंक इट ऑल बिगिंस फ्रॉम मिस्टर गौतम तलवार, जो तलवार की तरह तेज है और गुलाटी नहीं मारते। जैसे गुलाटी बोला तलवार निकाल दिया था उन्होंने। मैं बोला डजंट मैटर, तलाइवन रख लो यार, अपने पास रख लो, जाने दे, बच्चा है बच्चा, छोड़ दे। लिख रहा हूं संजय गुप्ता के घर, एंड ही सेड मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, आई सेड यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, इट्स फैसिनेटिंग, एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ तलाइवन एज अ कैरेक्टर, राइट, बिकॉज द वे इट वाज। बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी। जैसे ही सिनॉप्सिस भेजे तो मैं बोला प्ले क्या कर रहा हूँ, पुलिस वाला नहीं बनना है, तलाइवन हो तो बात करते हैं, यू नो, एग्जैक्टली द सेम थॉट। वैसे भी शूट आउट में हम लोगों ने कर लिया, राइट, गुंडा एंड पुलिस वाला नाव भी रिवर्स मार रहे हैं।